पण 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 हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो भाई, घर हो या घर के बाहर, वाणी की नट खसराते कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो हमें आज ये इन्विटेशन आए हुए हैं दो घरों से। तो एक जगह पर रिटायरमेंट का फंक्शन है और एक जगह पर बर्थडे है, तो दोनों के दोनों घरों में जाना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पहले आए हुए हैं, यहाँ पर था भाई बर्थडे, जिनके यहाँ पर ये फंक्शन लगा हुआ है। ये लगा हुआ है फंक्शन मंजू के बुआ जी के घर में, तो यहाँ पर आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमें। और ये जो देख सकते हैं आप लड़का, ये मंजू का रियल ब्रदर है। मौसम की बात करें तो थोड़े से टाइम आज धूप भी नज़र आ रही थी, लेकिन एकदम से अचानक फिर से मौसम बिगड़ गया और तेज़ बारिश शुरू हो गई। और वैसे भी बरसात का मौसम चला हुआ है, तो डेली तेज़ बारिश हो रही है। इधर देख ओ बच्चे, बाकी रोड वगैरह की बात करूं तो चारों तरफ NH के रोड का काम भी चला हुआ है, काफ़ी चौड़ा बन रहा है। बाकी डेली बेसिस पर भारी बारिश भी हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। एक पॉइंट आता है पाड़छू, वहाँ पर तो इतना ज़्यादा खतरा है। और हालांकि बहुत ज़्यादा हादसे भी हुए हैं वहाँ पर। तो अगर धर्मपुर से सरकार घाट को जाना है लोगों ने, तो बायां पपलोग होके ही जाएँ, इतना डेंजर पॉइंट है वहाँ पे, ज़रा सा भी रिस्क मत लीजिए। और सरकार को भी चाहिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ साइन बोर्ड वगैरह लगा दें या उस वाले रोड को बंद ही कर दें कुछ दिनों के लिए। खुलो वाणी, बाकी पहले वाले फंक्शन को अटेंड करने के बाद हम वापस आ गए थे घर को। एक्चुअली ऐसा हुई बात कि जो दूसरे वाले फंक्शन में हमने जाना था रिटायरमेंट वाले, तो उनका सामान और गिफ्ट वगैरह रह गए थे हमारे घर पर ही। और फिर हमारे यहाँ पे कल्चर में ऐसा है कि हार, नोट के हार होते हैं, उनको भी मतलब भेंट किया जाता है जो रिटायर आ रहा होता है, तो वो भी रह गए थे, तो फिर उनको लाना पड़ना था। तो इसलिए हम घर आए, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जाएँगे फिर से। नमस्ते करो बुआ को। भैया जी, क्या देखो? वो बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या काम काज चला हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर फंक्शन से आए घर में, तो ये टेक्नीशियन भी पहुँच गया घर में। और काफ़ी दिन हो गए थे, मंजू का ये रूम है, तो इनकी LCD ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मंजू ने कॉल किया हुआ था इनको, आज के दिन के लिए बुलाया हुआ था। एक्चुअली मंजू के जो चाचा जी हैं, उनकी शॉप है सरके घाट में, और उन्होंने ही इन्हीं टेक्नीशियन को भेजा हुआ है यहाँ पर। तो ये इन्होंने LCD को तो यहाँ पर दीवार में लगा दिया है, बाकी सिग्नल वगैरह चेक करने के लिए बार बार जा रहे थे लेंटर पर, क्योंकि जो डिश है वो घर की छत पर लगाई हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ख़राबी आ रही थी बार बार, तो इसलिए आगे पीछे जाना पड़ रहा था उसको एडजस्ट करने के लिए, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया। तो यह भाई मेरे छोटे भाई का रूम, हमारे रूम के बिल्कुल टच में ही है ये राइट साइड को। और भी कुछ छोटे मोटे काम बचे हुए थे इनके, तो सारे के सारे करवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शादी के टाइम आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं घर के सारे मेंबर्स। तो अभी तक कुछ ऐसे ऐसे सामान रह गए थे जिनको एडजस्ट नहीं किया था अच्छे से, बाकी मंजू ने भी आज ही दिखाया जो सामान बचे हुए थे। बाकी पिछले कल गांव के कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने को रह गए थे। तो ये देखिए एक पॉइंट है, ये यहाँ से हमारा पूरा का पूरा गांव कुछ इस तरह का दिखता है। साथ के साथ ये जो खड्ड है, इसमें भी बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी आता है, और यही पानी जब इस खड्ड से होकर जाता है धर्मपुर की साइड, तो तबाही मचाती है ये खड्ड, सच्ची में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। सोन खड्ड नाम है इसका। बाकी एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ, तो एक बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई है हमारे गाँव में। तो मेरा एक फ्रेंड ही था वो, हालांकि फ्रेंड कम भाई बोल सकता हूं मैं उसको, तो हमारे घर से तकरीबन 150 मीटर की दूरी के ऊपर उनका घर था। तो उस मेरे छोटे भाई ने जहर खा के सुसाइड कर ली और उसकी डेथ हो गई थी। तो जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, ये कैप्चर कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए चीज़ें, तो मैं और मेरे साथ गाँव के ये दादाजी ही लगते हैं हमारे, तो हम जा रहे हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए, लकड़ी डालने के लिए। धो ही गया है पूरा, क्या भाई क्या।
वो पारा जो वो बुंदा जो सारे कुलदीप पारा था ना। अच्छा अच्छा ले रहा ये तो बह गया है, नुकसान भारी है बोलना घास का तो है ये बोलना, जमीन भी कच्ची पड़ रही है। चला चला तो अभी हम उसको लकड़ी डाल के आगे आग लगा दी है उसकी चिता को, और बहुत दुख की बात है कि उसने इस तरह का स्टेप लिया। तो एक छोटा सा मैं मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ, कितनी भी बुरे से बुरी स्थिति आ जाए इस तरह से मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपनी जान। देखिए उसने अपनी जान ही गंवा दी, तो क्या नहीं होता एक मर्द की ज़िंदगी में। देखिए बहुत बड़े ऊँचे से ऊँचे मोड़ आते हैं और डॉन टू डॉन तक चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देना ये सॉल्यूशन नहीं है। तो अब देखिए उसके छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी बाणी की तरह, उसकी एक बेटी है, एक छोटा सा बेटा भी है, तो सारे के सारे तो रह गए भाई यहाँ पे। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को, उसने ये चीज़ें नहीं देखी, तो ये सारी की सारी चीज़ें सोच लेनी चाहिए। ऐसी भी क्या मतलब मजबूरी थी मेरे उस भाई को, मुझे नहीं पता है कि उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और पूरे के पूरे परिवार को अपने घर गांव को छोड़ के, वो हम सभी लोगों को यहाँ पर छोड़ कर के हमेशा हमेशा के लिए चला गया यहाँ से। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बाकी भगवान से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उसकी आत्मा को शांति मिले और पूरे के पूरे परिवार को इतने बड़े इस कष्ट को सहन करने की हिम्मत दे भगवान, और इससे वो उभर पाए जल्द से जल्द, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो फैमिली मेम्बर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो अब गुजर गया। हाँ इस बात को मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि इतना बड़ा दुखों का पहाड़ उस परिवार के ऊपर आ गया है, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो एक बार इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है उसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। बाकी होनेस्टली बताऊं आप लोगों को, तो अब ज़रा भी मन नहीं कर रहा है इस वाले ब्लॉग को बनाने का मेरा। मैं एक कोई भी सिंपैथी नहीं लेना चाहता हूं आप लोगों से। जिनको ब्लॉग सच में पसंद आएगा वो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं आए तो प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, आप लोग मत देखिएगा। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि वो जो लड़का था जिसकी डेथ हुई है बहुत ज़्यादा क्लोज था मेरे, मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं, मेरी शादी में भी आया था, काफ़ी इंजॉय किया हुआ उसने, बिल्कुल मेरी एज का था, हालांकि मेरे से स्कूल टाइम में एक क्लास पीछे पढ़ता था वो। तो ऐसी ऐसी बात है, उसको ये जो अभी मैंने वीडियोस देखे ये भी मैंने कैप्चर नहीं किए हुए थे, ये कैप्चर किए हुए मेरे पड़ोसी ने तूफान सिंह ने, जो बाणी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है और खेलने के लिए आता है। तो ये बात हुई है कुछ इस तरह की हमारे यहाँ पर, और दुखों का मतलब पूरे के पूरे गांव में मतलब पहाड़ सा ही टूट पड़ा है। और मेरे को तो सच में कभी कभी मतलब इस तरह से भी मतलब एक बोलते हैं ना साइको बजना, तो उस तरह से भी फील होता है कि भाई हाँ कहीं से वो दिख तो नहीं जाए मतलब इधर उधर से। ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था तो तब जाके बोल रहा हूँ। बाकी आज के इस वाले ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी नहीं करूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बस ये ऐसी ऐसी ट्रेजडी हो गई है गांव में। तो बाकी चलिए इस वाले ब्लॉग की मैं करता हूँ यहीं पर ही एंडिंग, और नए ब्लॉग के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा फंक्शन को, जो दूसरा रिटायरमेंट वाला फंक्शन है, और वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो मेरे ताऊजी की बेटी है, मेरी सिस्टर है, उनकी सासू माँ रिटायर आ रही है, तो उस वाले फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाना है अभी हमने, और हुआ तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगा उस पर। बाकी मिलते हैं अब नए ब्लॉग के साथ ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर। इसका उफान कम हुआ है, नहीं तो भाई सच में एक डर की स्थिति आ गई थी फिर से। और अभी मैं खड़ा हूँ धर्मपुर के पुल के ऊपर।